देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर से मैं बता रहा हूँ कंपैरिजन टेस्ट है क्या। कंपैरिजन टेस्ट में एक सिंपल इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स गिवन होगा, आप उसी में से फाई एक्स निकालेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हमको या तो आपका मॉड ऑफ फाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स हो या मॉड ऑफ फाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स हो, इन्हीं में से कोई एक चीज होती है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू वन होता है, क्यों होता है, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो इस तरीके से अगर मॉड ऑफ कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो ब्रैकेट में लिखा है नीचे आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये निकल आया। अब हमें इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स निकालना है, तो ये अगर देखा फाइनाइट आ गया है, और फाइनाइट आएगा भी क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट हो नहीं सकता, कंट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंट के लिए तो ग्रेटर देन होना चाहिए। मॉड ऑफ फाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, जब वो होगा तो डाइवर्जेंट होगा, लेस देन होगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से इसकी पाई बाई टू वैल्यू निकाली तो वो हो गया है कन्वर्जेंट। इसी तरीके से सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी। हमको कन्वर्जेंसी निकालनी है। इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो यहाँ पे फाई एक्स को मान लिया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स मान लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम एफ एक्स वो मानते हैं, एक ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होता है, इसलिए एफ एक्स जो है इजी लेते हैं, छोटा लेते हैं। अब यहां पे देखिए, यहाँ भी वही चीज है जो ऊपर थी, क्योंकि हम ये ऊपर और नीचे दोनों में ये जानते हैं कि मॉड ऑफ कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ऐसे ही मॉड ऑफ साइन एक्स भी होता है लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तब भी वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और दोनों तरफ हम नीचे डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से तो बन जाएगा मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं सिंस मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हमको एंड इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, इसलिए क्योंकि अभी हमने एक मेथड बताया है कि एन की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, 1 अपॉन एक्स की पावर एन याद आया कि 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट है, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। तो इसकी वैल्यू है 2, इससे ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6 तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अरे अटेंडेंस के लिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए, हम लगा देते हैं, बीच बीच में ये भी काम करते रहते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चनों को देखिए समझिए। सर ये जो फाई एक्स लिखते निकालते हैं और जो एफ एक्स निकालते हैं, तो सर ये कैसे निकलता है? देखिए हम यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन होता है हमें उसी में से फाई एक्स एफ एक्स निकालना होता है। मैं अभी बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, हम एफ एक्स वो लेते हैं जो आसान हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाई एक्स एफ एक्स में फाई एक्स हम जो है पूरा ले लेते हैं और उसी में से एफ एक्स ले लेते हैं। फाई एक्स तो पूरा ले लेंगे और उसी में, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं,
लिखा भी है लेट, समझ रहे हैं, ये अपनी तरफ से सपोज किया जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो पाई एक्स में हम पूरा देते हैं और जो एफ एक्स है उसी में से निकाल देते हैं, यानी एक टर्म निकाल देते हैं। लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे जो एफ एक्स लेते हैं वो लेते हैं जो डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर वाला नहीं लेते, हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं ताकि आसानी हो, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। yes. तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है और सिक्स्थ न्यूमेरिकल है, इन दोनों में एक चीज मेन है कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन होता है और मॉड ऑफ एफ एक्स भी, सॉरी मॉड ऑफ कॉस एक्स भी लेस देन इक्वल टू वन होता है। इसी की मदद से हमने ये काम किया है। जैसे यहाँ पे सिक्स वाले में लिखा है कि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सिंस मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ये तो होता है आप जानते हैं। अब उसी में आप कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर, और वन स्क्वायर का वन होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप दोनों तरफ जो है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ये चीज आ जाएगी। अब ये जब लेस देन इक्वल टू हो गया है भाई, और मॉड ऑफ साइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं होगा, ये आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि साइनस और कॉस एक्स जो होते हैं वो माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करते हैं, यानी उनकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही होती है। अब हमें एफ एक्स को सॉल्व करना है, यानी इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट, तो सिंस ये क्या हो गया n is equal to the 2 यानी greater than 1 हो गया है, तो by comparison test, तो comparison test में ये जब convergent है तो ये भी convergent होगा, mod phi x dx ये हमने लिखा है question में। अब इसी तरीके से सेवेंथ वाला है, सेवेंथ वाले question में क्या है कि phi x को पूरा चूज कर लिया है, अब हमने एफ एक्स को जो माना है वन अपॉन एक्स माना है, क्यों माना है, इसलिए माना है ताकि हमारे लिए आसानी हो सॉल्व करने में। तो यहां से टू से इंफिनिटी है, अब टू से इंफिनिटी में आप देखिए यहां पे कैसे पता चला कि यहां पे रखेंगे वन अपॉन टू की वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और यहां पे रखेंगे 1 अपॉन 2 तो इस तरीके से आपका ये भाई 1 अपॉन रूट 3 और यहां पे 1 अपॉन 2 है, और 1 अपॉन रूट 3 छोटा होता है, यानी रूट 3 छोटा होता है लेकिन अपॉन में तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहां पे चेक किया है। अब जब चेक किया है तो आप एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी इंटीग्रल 2 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 1 है, अभी एक मेथड हमने आपको बताया है। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो पहले इस पेज को समझिए फिर आगे बताएं। सर 7 वाला फिर बता दीजिए सर। देखिए मैंने अभी आपको बताया है, फिर बता रहा हूं कि जो एफ आई एक्स होता है वो पूरा लेते हैं और एफ एक्स जो होता है वो उसी में से वो चीज लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, ठीक है, समझ गए हैं सर। इसमें अब वन एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी ले लीजिए, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन की इक्वल आ रहा है, समझ रहे हैं, आप जो वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे आप एक्स स्क्वायर लेके करिएगा इसको,
देखिए ग्रेटर आ रहा है कि इक्वल आ रहा है, लेस देन आ रहा है। हमने यहाँ पे वन अपॉन एक्स लिया है, आप घर पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर लीजिएगा और उसकी वैल्यू रखिएगा, यानी टू से इंफिनिटी के बीच में, और उसको चेक कीजिएगा। यस सर। ये कैसा है? ये टू से इंफिनिटी जो है वो रेंज है ना, देखिए इंटीग्रल लिखा नहीं है कहाँ। अरे yes, भैया लिखा नहीं है। यस सर, ये इंटीग्रेशन में लिखा नहीं है भाई। यस सर, आप लोग इतने बढ़िया लोग हैं। वही रेंज है, वो इसलिए लिखा है ब्रैकेट में ताकि समझ में आए कि देखिए हमने साइड में लिखा भी है टू और थ्री को चेक करिए, ये टू से इंफिनिटी में हम रखते जाएंगे तो हम एक कई वैल्यू रखेंगे, तो कई वैल्यू रखने पे देखिए पता चल जाएगा कि बार बार ये टू भी रखिए, थ्री रखिए, फोर रखिए, तो हर केस में आपका ये वैल्यू ग्रेटर आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब आगे देखिए, अब हमने काम किया गया है कि इंटीग्रल 2 से इनफिनिटी एफ एक्स क्या था, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये डाइवर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी एक मेथड हमने आपको बताया है कि इंटीग्रल ए टू इनफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स, एन की वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट है, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है, इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, जब वो डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। इंटीग्रल 2 टू इनफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डाइवर्जेंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है टेस्ट द कन्वर्जेंस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हमने दूसरे ढंग से किया है कि हम जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है कि अगर इंटीग्रल ए टू बी आपका एफ एक्स डी एक्स है तो अगर कोई पॉइंट वहां पे सी है तो ब्रेक हो जाएगा ए टू सी प्लस सी टू बी। तो इसी तरीके से जीरो टू इंफिनिटी में हमने वन पे इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया है, यानी इंटीग्रल जीरो टू वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जीरो टू वन क्या हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसे पता चला? क्योंकि हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि दोनों लिमिट क्या है, फाइनाइट है जीरो वन, और अगर इसमें वैल्यू रखते भी है तो ई की पावर माइनस वन या ई की पावर जीरो वो भी आपकी फाइनाइट होगी। तो इस तरीके से ये तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब हमको जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है, यानी इंटीग्रल वन टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फाइव एक्स तो हमने पूरा ले लिया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने एफ एक्स ले लिया एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एक्स क्यों रखा इसमें, इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी सॉल्व हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम एफ एक्स वो लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए इंटीग्रेशन। उसको खोलो, उसमें एफ वन दबाओ, एफ वन कीबोर्ड निकाल लीजिए। उसमें एफ वन कहीं लिखा है उस साइड में कोने में। अब देखिए, अब यहां पे भी वही चीज है कि मॉड ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको चाहे आप चेक भी कर सकते हैं,
x की वैल्यू जब 1 रखेंगे आप तो e की पावर माइनस 1, और यहां रखेंगे यहां भी e की पावर माइनस 1 हो जाएगा, यानी इक्वलिटी आ रही है। इसी तरीके से आप जब 2 रखेंगे तो e की पावर माइनस 4 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 4, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी एफ एक्स को, तो आप इसको घर पे सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू 1/2e आती है। इसको घर पे सॉल्व करिएगा, नहीं आएगी तो आप हमसे बताइएगा। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही क्लियर वाला शुरू से सर, एट वाला? यस सर। हाँ देखिए, एट में क्या है लिखा है, इंटीग्रल 0 to infinity e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ पे ये जो है कंपैरिजन टेस्ट में हम देखे अभी तक वो न्यूमेरिकल किए थे कि सीधे उसमें मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे 0 to infinity है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दूसरे मेथड से किया है, यानी 0 to infinity पे हमने ब्रेक कर दिया है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कहे 0 to 1 कर दीजिए, 1 to infinity, या 0 to 2, 2 to infinity, 0 to 3, 3 to infinity, ये जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बस आपका न्यूमेरिकल सही होना चाहिए, आप जो काम करें वो सही करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब 0 to 1 लिया है, ये हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन की दूसरी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि 0 to infinity पे हमने फंक्शन को 1 पे ब्रेक कर दिया है, यानी 0 to 1 और प्लस 1 to infinity। तो 0 to 1 जो पहला टर्म है वो आपका प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसे पता चला कि दोनों लिमिट कांस्टेंट है, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम जब फंक्शन में 1 रखेंगे या 0 रखेंगे तो फाइनाइट आ जाएगा, तो भी वो प्रॉपर है। दोनों तरीके से हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है। अब दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर है, हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही सॉल्व करना है यहाँ पे। तो उसमें हमने सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन था उसमें हमने फाइव एक्स को e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर सपोज कर लिया है, और एफ एक्स हो गए एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी बताया, कई चीज बता भी चुके हैं कि जो एफ एक्स होता है वो अपनी तरफ से चूज करते हैं, हम ऐसा लेते हैं उसमें से ताकि हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, और वो हमने साइड में कोने में किया है कि एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तभी आएगा एक्स टी एक्स, ताकि आसानी रहेगी। तो अब यहाँ पे मॉड ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। लेस देन क्यों हो गया है, इसलिए क्योंकि इधर x आ गया है, हम x की वैल्यू कोई भी रखते हैं, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये हमेशा यही रहेगा। तो अब हम fx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा, ये आप घर पे करिएगा, और ये कन्वर्जेंट हो गया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गई है फाइनाइट। तो fx जब कन्वर्जेंट हो गया है तो आपका इंटीग्रल 1 to infinity की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये भी कन्वर्जेंट होगा, यानी फाइव एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया है। तो पहला वाला प्रॉपर इंटीग्रल है, ये प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब ही होता है कन्वर्जेंट, तो पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो गया है। देखिए, समझिए, कोई चीज हो पूछिए।
इसको घर पे फिर समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा जितना हमने आज पढ़ाया है।